वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयदा अरमला हसन। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं रोज ऑन एयर आऊँ तो मैं हंसती मुस्कुराती हुई आऊँ, लेकिन आज चूंकि खुशी का आलमी दिन मनाया जा रहा है तो मैं बड़ी सी स्माइल के साथ आपके साथ हाजिर हुई हूँ। जनाब उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज खुशी का आलमी दिन मनाया जा रहा है इनके वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, तो इसलिए आज आपने दिन के आगाज पे ये सोच लेना है कि आपने आज पूरा दिन कोशिश करनी है कि आप खुश रहें, नेगेटिव एनर्जीज को साइड पे कर दें, आप पॉजिटिविटी के साथ उठें, उसके बाद लोगों से हंसकर बात करें और खुशी का इजहार करें। पूरा दिन अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो फिर उसके बाद हम कल आपसे दोबारा डील लेंगे। अच्छा जनाब, दिन का आगाज उम्मीद करते हैं आपका अच्छा हुआ होगा क्योंकि लाहौरियों के लिए मौसम बहुत अच्छा मिला सुबह सुबह, बल्कि रात से ही मौसम बहुत अच्छा था, तो मौसम के हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी जो मैं आपके साथ इंटरेस्टिंग सी एक बात शेयर करने वाली हूँ वो मैं खुद भी पढ़ी थी, मैं परेशान हो गई कि 5 साल की उम्र के बच्चे, मैं जब 5 साल की होंगी तो मुझे नहीं उम्मीद कि मुझे कोई स्वेटर पहनना आता होगा, इवन अपने बालों में ब्रश भी फेरना आता होगा, मतलब आई कैन इमेजिन। लेकिन अगर आप एक 5 साल के बच्चे के हवाले से सोचें कि वो स्वेटर पहनने की बजाय स्वेटर बुन रहा है और उसने बुन कर जब बहुत अरसे से वो ये काम कर रहा है, स्वेटर बुन कर वो अपना इसको बाकायदे तौर पर कारोबार चला रहा है। जनाब ये आपको जो स्वेटर्स और ये जो आपको आर्ट पीसेस नजर आ रहे हैं ये अफ्रीकी मुल्क इथोपिया के 11 साल जो बच्चा है उसकी हैरत अंगेज सलाहियत से माला माल है। 5 साल की उम्र से ये बच्चा स्वेटर बुन रहा है और ये गेंद या खिलौनों से खेलने की बजाय स्वेटर बनाता था। इसके अहले खानों को, अहले खाना रिश्तेदार और अहले मोहल्ला जो है उसको, उनको ये तोहफातन इस तरह के पीसेस पेश करता है और ये एक माहिर कारीगर बन चुका है। सोशल मीडिया पर जनाब ये अपना एक बिजनेस भी चला रहे हैं और इनके इंस्टाग्राम पे तकरीबन 1,33,000 फॉलोअर्स हैं, और जबकि उनके हाल ही में बनाए गए यूट्यूब चैनल की बात की जाए तो उसके सब्सक्राइबर की तादाद तकरीबन 26,000 है। और बेसिकली गुर्बत के बायस जो है इनके वालिदैन इनकी इनको बेहतर तौर पर नहीं इनकी परवरिश कर पा रहे थे, तो उन्होंने इनको एक जो कह लें दारुल मान यानी कि एक किसी होम में भेज दिया और वहाँ पर इनको एक सफ़ेद फार्म फैमिली ने अडॉप्ट किया। और अडॉप्ट करने के बाद इनकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं उनको दुनिया का दिखाने का बेड़ा भी उन्होंने ही दिखाया, और उनकी जो दस्तकारी है या जो स्वेटर्स बनाते हैं उनको उन्होंने सोशल मीडिया पर पेश किया। और देखते ही देखते 11 साल की उम्र में ये बच्चा जो है दस्तकारी बनाने के एक ब्रांड का माहिर हो चुका है और डॉलर्स में ये पैसे भी कमाते हैं। तो मतलब जनाब 11 साल की उम्र का बच्चा जो कि 5 साल से स्वेटर बुन रहा हो, मैं तो इमेजिन नहीं कर सकती। लेकिन आप देखें कि कितना ज़बरदस्त टैलेंट है उनके पास और वो ये दुनिया को भी दिखा रहे हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए दिखा रहे हैं। तो जनाब ये तो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और सोशल मीडिया के एक और स्टार की बात भी हम आपको बताते हैं, और वो क्या करते हैं जनाब, वो जो आप कह लें घड़ियाँ हैं उनके अंदर एक दुनिया बसाते हैं। यूनान के एक फनकार हैं जिन्होंने मिनिएचर आर्ट को एक नया रंग दिया है, और किस तरह का रंग दिया है जनाब ये देखें कि घड़ियों के अंदर वो किस तरह से मिनिएचर के जो पीसेस हैं वो बनाते हैं, मिनिएचर आर्ट करते हैं, और पूरी दुनिया आपको उसके अंदर पूरा एक जो मंजर है वो घड़ियों के अंदर वो दिखा देते हैं। तो लिहाजा इनका कहना है कि इन्होंने घड़ियों में बनाए गए आर्ट को बहुत मेहनत और तफसील से बनाया है ताकि जब हम उसे कहें छोटी सी दुनिया तो वो इस आर्ट पर पूरा उतरेगी, और ये छोटी सी दुनिया घरों ये घड़ियों के अंदर बनाते हैं। तो लिहाजा ये भी एक टैलेंट है, ये कितनी डिटेलिंग का काम है कि पूरी एक लाइब्रेरी उन्होंने कितनी सी घड़ी के अंदर समो दिया, वेरी वेरी आर्टिस्टिक। एनीवेज चैलेंज नाथ, ये तो हमने आपको बता दिया कि क्या क्या लोग कर रहे हैं, और अब जरा दुनिया भर की खूबसूरत सड़कों की भी बात कर लेते हैं। जनाब दुनिया भर से कुछ ऐसी खूबसूरत सड़कों की तस्वीर हम आपके साथ सामने अभी आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी, जो कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल है हम सबके लिए कि जो वेस्टर्न ममालिक हैं वो किस तरह से सफाई को इतना ज़्यादा फोकस में रखते हैं, अपनी अपनी जगह जहाँ वो रहते हैं उनको कैसे साफ रखते हैं। ये रोड्स हैं जनाब, ये कोई ऐसी ऐसी जगह नहीं है कि इन्होंने कोई स्पेशली बनाई हुई रोज जहाँ पर रोज़ गाड़ियाँ गुजरती हैं, लेकिन दे मेक श्योर कि यहाँ पर इस तरह की कोई गंदगी या इस तरह का ना हो। और ये दुनिया भर से सयाहों के लिए तवज्जो का मरकज तो बनता है क्योंकि सफाई का इंतज़ाम भी होता है, साथ साथ उन्होंने इसको इतना खूबसूरती से इसको बेहतर बनाया होता है कि आप लोग वैसे ही खींचे चले चले जाते हैं। और बहुत सारी ममालिक की बात की जाए तो उन्होंने एक स्पेसिफिक एरियाज रोड्स या कुछ ऐसे कॉर्नर्स मुख्तस किए हुए हैं जो टूरिस्ट के लिए बड़े अट्रैक्शन का बायस होते हैं, और इन्होंने एक एक जगह को इतनी खूबसूरती से संभाला होता है कि हम लोगों के लिए एक लेसन है कि हमें किस तरह से सफाई रखनी, इवन अपने घर के बाहर भी
आप अक्सर देखें, मैं अभी ट्रेवल चूंकि करके आई हूँ, मैंने देखा लोगों ने अपने घरों के बाहर इतनी जबरदस्त वॉल सेटिंग ये सारा कुछ किया होता है कि आप एक लम्हे को रुक कर जरूर देखते हैं कि यार देखो कितने कितना खूबसूरत अपने उस पर बनाया हुआ है। तो ये अपने घर को साफ रखना, अपनी गली को साफ रखना, अपने मुल्क को साफ रखना, ये हम सबकी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए जागो लाहौर।